हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ऐसी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी जो मैं पिछले 3 या 4 साल से यूज कर रहा हूं। ये आपको छोटे मोटे रिटर्न्स 20-25% के नहीं बल्कि 100 से लेकर 200% तक के रिटर्न्स देती है। इस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी का नाम है गोल्डन क्रॉसओवर। इस स्ट्रेटेजी के लिए आपको मूविंग एवरेजेस का नॉलेज होना जरूरी है। अगर अभी तक आपने मेरी इंडिकेटर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए जहां पे मैंने इन डिटेल मूविंग एवरेजेस के बारे में समझाया है। उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों में ही मिल जाएगा। विद दैट सेड, लेट्स गो अलोंग विद द वीडियो। इस स्ट्रेटेजी के लिए हमें 3 मूविंग एवरेजेस का यूज करना होता है, 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और समझते हैं कैसे इन मूविंग एवरेजेस का यूज करना है और किस तरीके से हम गोल्डन क्रॉसओवर में अपनी एंट्री और एग्जिट्स प्लान करते हैं। तो यहाँ पर मैंने खुला हुआ है लार्सन टूब्रो का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट। तो पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे कौन कौन से EMA लगा रखे हैं। तो ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं ये है 200 EMA, फिर आप एक पर्पल वाला EMA देख रहे हैं ये 50 EMA है और रेड वाला जो है वो 20 EMA है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 20 EMA, 50 EMA और 200 EMA। EMA यहाँ पे एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज है। EMA की जगह आप सिंपल MA यानी SMA भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। दोनों लगभग सेम ही रिजल्ट्स रहते हैं, कोई अंतर नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने तीनों EMA को लगा के रखा हुआ है। अब गोल्डन क्रॉसओवर हम समझते हैं क्या होता है। गोल्डन क्रॉसओवर तब होता है जब कोई एक बड़ा EMA, बड़ा EMA यहाँ पे है 200 EMA, 200 EMA को 20 EMA और 50 EMA जब काटते हैं नीचे की तरफ से। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास ये वाला 200 EMA है, ये वाला हमारे पास 20 EMA, ये हमारे पास 50 EMA, मगर इस जंक्शन पे अगर आप देखोगे तो ये नीचे से आके 200 EMA को काटते हुए 20 EMA और 50 EMA ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। तो जब भी ऐसा गोल्डन क्रॉसओवर देखा जाता है तब माना जाता है कि जो स्टॉक का ट्रेंड था वो अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और स्टॉक अब ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली मूव करेगा। देख सकते हैं हम कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे था। यहाँ से अगर मैं रिटर्न्स कैलकुलेट करूँ, अगर इस क्रॉसओवर के बाद आप एंट्री करते तो आपके रिटर्न्स करीब होते यहाँ पे 226%। तो इस तरीके से जब भी हमें इन्वेस्टिंग करनी होती है तो हम एक बड़े टाइम फ्रेम में स्टॉक्स को देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर खोला हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम पर मुझे गोल्डन क्रॉसओवर को स्पॉट करना होता है। गोल्डन क्रॉसओवर स्पॉट होता है, जैसे ही गोल्डन क्रॉसओवर हो जाए वैसे ही हमारी ट्रेड इनिशिएट होती है और हम जनरली टारगेट यहाँ पे 100 to 150% का रखते हैं। अब समझते हैं कि ये गोल्डन क्रॉसओवर फेल कब होगा। गोल्डन क्रॉसओवर फेल तब होता है जब सपोज यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट करी, फिर ये ऊपर की तरफ जाने लगा, लेकिन अगर ये 200 EMA को काट के वापस नीचे आ जाता तो फिर हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाते क्योंकि ये ट्रेड फिर कैंसिल आउट हो जाती, यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन जब तक ये 200 EMA के ऊपर है तब तक हम इस ट्रेड को कंटिन्यू करके रख सकते हैं। तो आप समझते हैं कि हमारी एंट्री कब होती है। जब भी ये गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो फिर स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करने चालू करता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये ऊपर की तरफ गया। लेकिन जब फर्स्ट पुलबैक आता है तो हम इसमें एंट्री बनाते हैं। तो हमारी एंट्री यहाँ कहीं पे होती, हमारा स्टॉप लॉस इस 200 EMA का होता। तब तक हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे जब तक ये 200 EMA को क्रॉस करके नीचे कैंडल क्लोज ना कर दे। उसके पहले हम इसे एग्जिट नहीं करेंगे, इसे हम होल्ड करके रखेंगे जब तक हमें 100 to 200% टारगेट नहीं मिल जाता। तो इस तरीके से कुछ ट्रेड किया जाता है गोल्डन क्रॉसओवर को इन्वेस्टिंग पर्पसेस के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको सीखने मिला होगा कि किस तरीके से मैं पर्सनली इन्वेस्टिंग में टेक्निकल्स देख के किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का प्लान करता हूँ जिससे मुझे डिसेंट रिटर्न्स जनरेट हो पाते हैं। अब अगली वीडियो में जो लाऊंगा वो इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर होने वाली है, जहां पे मैं डिस्कस करूंगा क्या मैं स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ जिससे मैं इंट्राडे पे भी अच्छे रिटर्न्स बना पाता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।